हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी के हम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं जेईई एडवांस का ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन। तो बच्चों का मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि मैम इतने सारे हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पर कैसे ऑप्शन हम प्रिडिक्ट करें, फर्स्ट स्टेप ही अप्रोच नहीं करते हैं, जबकि ये जो आपके पास स्टेप्स हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, और एक तो चीज़ जो मेन रिएक्शन है और जो आपके नेम रिएक्शन हैं उन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आज हम देखेंगे हम किस ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड यूज़ करेंगे अपने फाइनल आंसर तक पहुँचने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शंस फॉर द मेजर प्रोडक्ट क्यू आर एंड एस। हमें ये क्यू आर और एस निकालना है, और ये चार आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्टायरीन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टायरीन का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद B2S6NaOH, H2O2 और H2O। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, ये होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद बनेगा P, उसमें डालना है क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें ऐड करना है क्लोरीन इन रेड फॉस्फरस। ये क्या काम करता है, ये हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन आपने पढ़ी है, वो ये रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, अल्फा पोजिशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास H2O, उसके बाद क्यू बन जाएगा, फिर PO के साथ हमने रिएक्शन करनी है SOCl2। सो Cl2 मेनली काम क्या करता है, जो OH है उसको Cl में कन्वर्ट करता है। फिर आएगा सोडियम साइनाइड, Cl की जगह Cn आ जाएगा। साइनाइड का फिर क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। वहां से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, R बन गया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां तक भी अगर हम R तक पहुंच गए ना, तो हम अपने ऑप्शन को इजिली अपना आंसर जो है मार्क कर लेंगे। और जो ये हमने निकालना क्या है, हमें Q निकालना है सबसे पहले। तो Q निकलने के बाद दो ऑप्शन आप इजिली एलिमिनेट कर दोगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। स्टाइरीन हमारे पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, B2H6NaOH, H2O2 और H2O। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसका काम क्या है, टर्मिनल पोजीशन पे OH लगा देता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या बनेगा, CH2CH2OH, हमारे पास P बन गया। इसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड और आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, गुड, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने ही कार्बन का आपके पास अल्कोहल बन रहा है, उतने ही कार्बन का आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो CH2COH। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, क्लोरीन इन रेड फॉस्फरस और वाटर, हेल्वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके जो अल्फा कार्बन है, इसके अल्फा कार्बन पे क्या आता है, हेलोजन आ जाता है Cl। तो हमने एक चीज बना ली, क्यों हमने बना लिया, हमें क्या निकालना था, क्यू आर और एस हमें निकालना था। तो क्यों हमने बना लिया, क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर CH और उसके ऊपर Cl और COH। अब हम देखते हैं कि हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए क्यों में अगर हम बात करें, बेंजीन के ऊपर CH और Cl COH, बेंजीन के ऊपर CH और उसी कार्बन पे Cl और COH, ये दोनों में लगा हुआ है। यहां पर तो आपके पास क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड की जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये वाले ऑप्शंस तो हमारे पास नहीं होंगे। सिंपल सी चीज, हमारे पास क्या है, बेंजीन के ऊपर CH है और साथ में उसी कार्बन पे क्या है, Cl और COH। तो दो ऑप्शन तो हमने यहीं से एलिमिनेट कर दिए। अब आगे देखते हैं R कैसे निकालेंगे। तो P हमने लिया, फिर से हमारे पास क्या था क्वेश्चन में कि हमें P लेना है, P के बाद SOCl2NaCN और H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवानी है और R बनाना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे हमने लिया। तो P हमने वापस से लिया, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा देनी है। तो इसने क्या किया, जो OH है उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। उसके बाद NaCN इज जस्ट लाइक KCN, जैसे हम रिएक्शन करवाते थे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में, तो वहां पर NaCN और KCN वाली सेम रिएक्शन होगी। तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN, और CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, COH देता है। तो हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन साथ में CH2CH2COH। अब हमारे पास R बन गया। अब हम देखते हैं, दो ऑप्शन हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। अब यहां देखिए, यहां पर क्या है, बेंजीन के बाद कार्बन फिर CONH2, ये तो नहीं बन रहा। हमारा तो क्या बन रहा है, बेंजीन देन CH2 देन CH2 देन COH। तो बेंजीन फिर CH2 फिर CH2 फिर COH, मतलब ऑप्शन बी तो हमारे पास, हमें पता चल गया। इवन हमने अभी तक एस भी नहीं निकाला, फिर भी हमें यह पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होने वाला है। पर फिर भी हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, यहां पर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहां पर वाटर को रिमूवल करेगा और आपके पास एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, साथ में डबल बॉन्ड O। तो ये जो COH है और इसके जो नेक्स्ट कार्बन पे आपके पास H है वो जाएगा और ये रिंग बना देगा। यह आपके पास जो ऑप्शन बी है इसका, वो करेक्ट आंसर होने वाला।
होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसे सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और ये जो आपके पास जो भी कंटेंट हमने आज पढ़ा है इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।